दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है और आपके फ़ोन में ज़्यादा फोटो, वीडियो, ऑडियो भी नहीं है और आपका जो फ़ोन का स्टोरेज है बहुत ही ज़्यादा फुल हो जा रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना किसी चीज़ को डिलीट किए आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को बिल्कुल खाली कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन के स्टोरेज 92% फुल है। हम अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं करेंगे और हमारा जो फ़ोन का स्टोरेज है बिल्कुल खाली हो जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन के अंदर में तीन ऐसी सेटिंग को करनी है, जिस सेटिंग को अगर आप कर देते हैं तो आपको ना तो फ़ोन में फ़ोटो डिलीट करना है, वीडियो डिलीट करना है, ऑडियो डिलीट करना है, कोई भी चीज़ आपको डिलीट नहीं करना है और आपका जो फ़ोन का स्टोरेज है पूरा खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन का स्टोरेज अगर बार बार फुल हो जा रहा है तो यह तीन सेटिंग आज आप अपने फ़ोन में कर लीजिए। अगर एक बार अगर इन तीन सेटिंग को अपने फ़ोन में करते हैं तो जीवन में जल्दी आपका फ़ोन का स्टोरेज नहीं भरेगा। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के स्टोरेज को बिना किसी चीज को डिलीट किए आप खाली करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई सा भी फोन है, आपके पास कोई सा भी फोन है, आपको करना क्या है ध्यान से देखिए। आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होगा, पे आपको क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, इस फाइल पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन कितना स्टोरेज फुल है यहाँ पर बताएगा, यानी कि हमारा फ़ोन 92% स्टोरेज फुल है। हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करेंगे और हमारा जो फ़ोन का स्टोरेज है बिल्कुल खाली होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरो है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका स्टोरेज स्पेस कुछ इस प्रकार से बताने लगेगा, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन कितने हैं, इमेज कितने हैं, ऑडियो कितने हैं, वीडियो कितने हैं, पूरा डेटा यहाँ पर आएगा। देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन और डेटा 20 GB घेर कर रखा हुआ है, इमेज इतना, ऑडियो इतना, वीडियो इतना, एप्लीकेशन इतना, डॉक्यूमेंट इतना, सब कुछ का एक लिस्ट बनकर आ गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करना है। इसके बाद में मैं आपको एक सेटिंग और बताऊंगा, उस सेटिंग को भी आपको करना है तो आपका फ़ोन का स्टोरेज बहुत खाली होगा। देखिए करना क्या है, आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है ऐप एंड डेटा, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो जो सबसे ज़्यादा आपका एप्लीकेशन डेटा को घेर के रखा है वो सबसे ऊपर में दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को नीचे क्लियर कैच और क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करेंगे वह एप्लीकेशन नीचे चल जाएगा। सेम इस तरीके से अब आपको यहाँ पर YouTube है, जो जो एप्लीकेशन है उसके एरो पे इस तरीके से क्लिक करना है, क्लियर कैच कर देना है, क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन है, क्लियर ऑल डेटा कर देना है, बैक हो जाना है, फिर इस एप्लीकेशन पर आना है, इसको भी आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर ऑल डेटा करना है। इस तरीके से आप जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं सारे एप्लीकेशन पे आपको आके क्लियर कैच और क्लियर डेटा करना है। पर ध्यान रहे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का आप क्लियर कैच क्लियर डेटा मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपको उसी एप्लीकेशन को यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा और क्लियर कैच करना है जिस एप्लीकेशन को हम लॉगिन नहीं करते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करते हैं। तो यह काम आपको कर लेना है। इसको करने के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग भी आपको करनी होगी। दूसरी सेटिंग क्या है ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, दूसरी सेटिंग यही है कि हम अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और डेली इंस्टॉल करते हैं, डेली डिलीट कर देते हैं।
हमारे फ़ोन के स्क्रीन से तो वह एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, पर हम जो प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर के बैकग्राउंड से वह एप्लीकेशन डिलीट नहीं होता है, जिसके कारण हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है घेर कर रखता है। तो आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखना है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन में जितने भी इंस्टॉल एप्लीकेशन है सब यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल और जो नॉट इंस्टॉल है इस पर क्लिक करना है। जब नॉट इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन आपने डिस्प्ले से डिलीट किया था वह एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में दिखेंगे, क्योंकि यह सारे एप्लीकेशन हमने एप्लीकेशन को डिस्प्ले से तो डिलीट कर दिया था, पर प्ले स्टोर के बैकग्राउंड में अभी भी यह सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, जो हमारे फ़ोन के डेटा को घेर कर रखा है, स्टोरेज को घेर कर रखा है। हमें इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हमको यहाँ बॉक्स पर टिक करना है। इस तरीके से देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन 85 MB, 56 MB, 53 MB, 237 MB, 51 MB, इतने स्टोरेज को हमको घेर कर रखा है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टिक करना है। जितने एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, इस डिलीट पर क्लिक कर यहाँ से रिमूव कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने रिमूव कर दिया, अभी भी मेरे एप्लीकेशन हैं, इसको भी हमको डिलीट कर देना है। तो आप भी अपने सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद में तीसरी सेटिंग है, इसको भी कर लेना है। उसके बाद देखिएगा कि कितना स्टोरेज खाली होगा। कोई भी चीज़ मैंने डिलीट नहीं किया है काम वाली, और स्टोरेज खाली होगा। उसके बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में देखने को मिलता है जिसका नाम होता है क्लीनर। इस क्लीनर एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। हर फ़ोन के अंदर में यह क्लीनर एप्लीकेशन होता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी एक क्लीनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लीनअप पर क्लिक करना है। जैसे क्लीनअप पे क्लिक कीजिएगा तो जितना भी ये चेक फाइल यानी डबल डेटा को जो ये रिस्टोर कर रहा है उसको यह डिलीट कर देगा और उसको फिनिश कर देगा। करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, एंटीवायरस को स्कैन कर लेगा। करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको स्कैन वगैरह सब कर देना है। जितना भी स्टोरेज आपका फालतू का घेरा होगा वह यह एप्लीकेशन स्कैन करके सबको रिफ्रेश कर देगा, यानी कि बिल्कुल अच्छा कर देगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्लीन कर दिया। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अब हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है कितना खाली हुआ। तो आइए हम पहले अब चलते हैं फाइल मैनेजर में। दोस्तों, अब हम आपको दिखा देते हैं कि स्टोरेज कितना खाली हुआ है। तो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम इसी फाइल पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं किया, सिर्फ क्लियर कैच किया, जो फालतू के डेटा रिस्टोर था उसको मैंने डिलीट किया। पहले ये 92% फुल था, अब देख सकते हैं कि 55% फुल है, यानी कि आधा स्टोरेज खाली हो गया। तो इसी प्रकार का दोस्तों, सारे एप्लीकेशन का जो डेटा होता है वह रिस्टोर हो जाता है, और प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन हम डिलीट कर देते हैं वह एप्लीकेशन अभी भी रहता है। तो यह सेटिंग कर अपने फ़ोन में अगर इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं तो आपके फ़ोन का स्टोरेज अच्छा खासा खाली हो जाएगा और आपका स्टोरेज जल्दी फुल नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही सेटिंग बता रहे थे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।